the combined effect of all the forces in short we can say that resultant vector is the sum of all the forces or all the vectors so we can define it as resultant vector is a single vector that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added and this gives the magnitude and the direction of the resultant force on the next term which is

सेंटर ऑफ मैस किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है कि जहां पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड मूव करता है बट विदाउट रोटेशन सो सेंटर ऑफ ऑफ़ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉज इज अस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन नेक्स्ट टर्म विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी मैटर हैं वो सब मैटर एटम या पार्टिकल से मिलकर बने हैं और हर पार्टिकल पर ग्रेविटी एग्जर्ट हो रही है जो कि उसको डाउनवर्ड टूवर्ड्स अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो इस हर पार्टिकल की वो डाउनवर्ड जो फोर्स है वो कंबाइन इफेक्ट होकर एक पॉइंट से एक्ट कर रही होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट सो वी कैन डिफाइन इट एज अ पॉइंट

कि फर्स्ट है लाइक एंड अनलाइक फोर्सेस सो लाइक फोर्सेस वो होती हैं जो पैरवेल तो हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो तो उन्हें आप कहते हैं लाइक लाइक फोर्सेस 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 सो आर आर द द दैट टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन सो वो फोर्सेज जो कि पैरवेल हो और उनकी डायरेक्शन सेम हो तो उन्हें आप कहते हैं लाइक पैरवेल फोर्सेस इसी तरह से वो फोर्सेज जो पैरवल तो हो लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम ना हो तो उन्हें आप कहते हैं अनलाइक फोर्सेज अनलाइक फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट आर पैरल टू ईच अदर बट हैव ऑपोजिट इन डायरेक्शन सो दीज आर कॉल्ड अनलाइक पैरल फोर्सेज टॉक एंड कपल तो यहां पर आपने टॉक और कपल को डिफ्रेंशिएट करना है एंड एज वी डिस्कस इन क्वेश्चन नंबर वन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स

स्टेबल इक्विलिब्रियम वो होता है कि जिसमें एक ऑब्जेक्ट को स्लाइटली टिल्ट करने के बाद वो दोबारा ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन पर वापस आ जाए तो हम कहते हैं कि उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जब आप एक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं एक प्रीवियस पोजीशन से तो वो ऑब्जेक्ट न्यू पोजीशन पर आ जाता है और वो दोबारा से अपनी प्रीवियस पोजीशन पर वापस नहीं आता लेकिन इस केस में उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट है वो सेम हाइट पर रहता है सो so, डिफरेंशिएट करेंगे इसको इस तरह से अ बॉडी इज टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजिशन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस व्हेन द बॉडी इज इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी रिमेन इन इट्स न्यू पोजिशन वेन डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स प्रीवियस पोजिशन एंड इन दिस केस

इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है तो इसको ऐड करने के लिए हम एक ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं जिसे हम हम कहते हैं हैं हेड टू टेल रूल और आप जानते कि हम एक एक वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें उस एरो की लेंथ शो कर रही होती है उसका मैग्नीट्यूड और उसका एरो शो कर रहा होता है उस वेक्टर की डायरेक्शन तो जब आपके पास कुछ नंबर ऑफ फोर्सेस मौजूद हों तो उनको हम पहले एरो से रिप्रेजेंट कर लेंगे और फिर आपने हेड टेल हेड टेल के अकॉर्डिंग आपने उन एरोस को एरो करते जाना है तो जैसे ही आप सारे एरोस को हेड टेल के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेंगे एट द एंड आपने करना होता है रिजल्टेंट रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जो है वो फर्स्ट वेक्टर की टेल से कंसाइड करती है और उसका हेड जो है वो लास्ट वेक्टर के हेड से कंसाइड करता है तो ऐसे केस में जब ये लाइन हमारे पास इस तरह से ड्रॉ हो जाए तो इस लाइन को हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर किस so, तरह से रिजोल्व कर सकते हैं सो तो इट्स so, जो कि हमने डिस्कस किया था अपने लेक्चर में फोर्स के, के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेट होते हैं एफ एक्स एंड एफ वाई और उनको थोड़ोली हमने लेक्चर में डिस्कस किया था तो इसका आंसर आप लेक्चर से लिख सकते हैं नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम कि कि हम कब ये कहेंगे इक्विलिब्रियम में, so, no तो में होगी जब उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट ना कर रही हो So we can say that the body remains at rest or moving with uniform velocity. Then we can say that the body is in equilibrium. So I hope these questions are clear to Now question number four point seven. Explain the first condition for equilibrium. So the first condition of equilibrium is the sum of all the forces acting on the body is zero. So summation F that is equal to zero.

और अगर हम उनको सम करें तो यहां पर फोर्सेस का सम आता है जीरो दैट मीनस की फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई हो गई लेकिन जब हम इनको देखें तो जब फोर्स इस तरह से एक्ट करेंगी तो ये बॉडी रोटेट करेगी दैट कि वहां पर प्रोड्यूस हो गया टर्निंग इफेक्ट सो दैट्स वाई देर इज अ नीड फॉर द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम दैट इज सम ऑफ ऑल द द टॉर्क एक्टिंग ऑन बॉडी इज जीरो क्वेश्चन नंबर इज कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम

तो आपने एक मूविंग बॉडी की एग्जाम्पल देनी है जो कि इक्विलिब्रियम में हो सो अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट वेट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द पैराट्रूपर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी सो द पैराट्रूपर इज इन इक्विलिब्रियम सो एक पैराट्रूपर जो कि जब नीचे आ रहा होता है तो अब उसका वेट जो है वो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड वहां पर वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर लेता है दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अब यहां पर वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है लेकिन एयर की रेजिस्टेंस की वजह से वहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो यहां पर जो पैराट्रूपर की जो वेलोसिटी होगी वो यूनिफॉर्म हो जाती है एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस कि वो पैराट्रूपर फिर इक्विलिब्रियम में है And the second one, an object is moving with uniform velocity, having zero acceleration is an example of equilibrium. So, uniform velocity se move karha, so zero acceleration, so body equilibrium. Mein hai. A car is moving with uniform velocity on a level road is the example of equilibrium. Now the next question 4.11. Think of a body which is at rest but not in equilibrium. अपने एक ऐसी बॉडी के बारे में सोचना है जो कि रेस्ट में हो लेकिन इक्विलिब्रियम में ना हो जैसा कि पेंडुलम पेंडुलम जब टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है तो एक पेंडुलम जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाता है तो वहां पर वो फोर ऑफ वाइल स्टॉप होता है रेस्ट में है लेकिन यहां पर भी इस पर ग्रेविटी एक्ट कर रही है तो so फोर्स यहां पर भी एक्ट कर रही है तो हम कहेंगे कि ये यह पेंडुलम यहां पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं है ऑल इट इज एट रेस्ट सो इन सिंपल पेंडुलम when the pendulum is at extreme position it is at rest for a while but at that time gravitational force remains acting on it so the pendulum is at rest but not in equilibrium and similarly when a ball is thrown vertically upward it comes to rest at the top position before falling towards ground at that position the ball is at rest but not in equilibrium now the next question 4.12 why a body cannot be in equilibrium due to single force acting on it so a body equilibrium a single force on when a single force acts on a body moves in the direction of the force and this force is not balanced by any other force hence the body is not in equilibrium when a single force acts on a body प्रोड्यूस मोशन एज वेल एज रोटेशन इन द बॉडी जब भी एक बॉडी पर सिंगल फोर्स एक्ट कर रही होती है तो so वो बॉडी उस डायरेक्शन में मूव करेगी अब वहां पर कोई अपोजिट फोर्स एक्ट नहीं कर रही बिकॉज हमने बात की कि सिंगल फोर्स एक्ट कर रही है तो जब एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे तो so वहां पर फोर्सेज है वो जीरो नहीं हो रही तो इक्वेबियम की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो हम कहेंगे इक्वेब्रियम में नहीं है नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फोर पॉइंट थर्टीन वाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज कैप्ट एज लो एज पॉसिबल तो एक व्हीकल की हाइट जो है वो लो क्यों रखी जाती है वी नो द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मैथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टेबिलिटी टू गेट द स्टेबिलिटी देर सेंटर ऑफ मैथ मस्ट भी कैप्ट एज लो एज पॉसिबल सो दिस इज द रीजन द हाइट ऑफ व्हीकल इज कैप्ट एज लो एज पॉसिबल कि जितनी सेंटर ऑफ मैथ की हाइट कम होगी लो होगी तो वो बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी लास्ट क्वेश्चन 4.14 एक्सप्लेन व्हाट इज वेड बाय स्टेबल अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम गिव वन एग्जांपल इन ईच केस सो स्टेबल अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को हमने थोरोली डिस्कस किया था हमने लेक्चर में तो आप लेक्चर से इनकी डेफिनेशन इनकी एग्जाम्पल्स ईच एंड एवरी आप वहां से याद कर सकते हैं आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा सी इन द नेक्स्ट लेक्चर टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज